नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं सुमित बेरवाल जी के पास, जो नेशनल बास्केटबॉल के प्लेयर भी हैं। यूं नहीं, जो कोविड-19 जो महामारी पूरे देश में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है, उसको लेकर के इन्होंने यहाँ BSF कैंप जो भोंसी में है, Battalion 95, वहाँ से लेकर और हिसार का जो BSF कैंप है वहाँ तक इन्होंने अप डाउन 400 किलोमीटर साइकिलिंग की है। और रास्ते में जितने भी लोग इनको मिले, उन्होंने जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, पैदा करने की कोशिश की है कि साइकिलिंग से क्या क्या फायदे होते हैं और हमें किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर को कितनी ताकत की जरूरत होती है। तो आइए हम बात करते हैं सुमित बेरवाल जी से कि इनको जो साइकिल की जो प्रेरणा मिली, कि उनके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि लोगों को हम जागरूक करें और किस तरीके से किया जाए। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका हरियाणा में। तो अभी आपने जो साइकिलिंग की हिसार तक BSF तक, तो आपको कैसे आपके दिमाग में थॉट आया कि ये किया जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए? जैसे अभी लॉकडाउन में हम घर पे थे, तो हमें ये लगा कि जैसे हर कोई घर पे है, फिट नहीं रह पा रहा कोविड-19 से। ये नहीं कह रहे कि फिजिकल एक्टिविटी से लड़ा जाता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो हमने एक ये प्लान किया, मैंने सोचा कि क्यों ना हम साइकिल पे जाएं और लोगों को जागरूक करें, और उससे और अवेयरनेस फैलेगी कि हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग हो चाहे वो कैसे भी फिजिकल एक्टिविटी हो। तो हमने एक ये माध्यम लिया साइकिलिंग का, तो 400 किलोमीटर दूर जो आना जाना हो गया, तो वो बहुत अच्छा सफर होगा लंबा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमें बात कर सके। तो कैसा लगा आपको रास्ते में, किस तरह से लोग मिले, उन्होंने किस तरह से बात की आपसे? लोग बहुत अच्छे मिले, कोऑपरेटिव मिले, कुछ लोगों ने पूछा भी, बहुतों ने पूछा कि आप किस लिए जा रहे हो, क्या है। मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं हम, अगर खुद फिजिकल फिट रहेंगे तो हम हर चीज से लड़ सकते हैं। तो उन्होंने भी प्रण लिया कई हो गए, तो बच्चे भी थे, बच्चों ने देखा कि ये अच्छी चीज है, तो क्या पता उनसे उन्हें हमें हमारे से प्रेरणा मिले। तो रास्ते में जो आपने 200 किलोमीटर साइकिलिंग की, तो क्या कोई ट्रैफिक की वजह से कोई प्रॉब्लम आई आपको, या कुछ क्या होना चाहिए जो आपको कमियां लगी? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जैसे आने वाले टाइम में अब 4-व्हीलर 2-व्हीलर ये ज्यादा चलते हैं, तो मतलब साइकिल के लिए एक पाथ होना चाहिए अलग से, मतलब जिसपे जो साइकिलिंग कर रहे हैं उनको डर नहीं रहे कि हमें कोई मतलब हिट ना कर दे। क्योंकि आजकल पता है जैसे बहुत केसेस हो रहे हैं, डेथ केसेस हो रहे हैं या ऐसे एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं साइकिलिंग वालों के साथ, कि उनको जगह नहीं मिलती है, बहुत मतलब हिट कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मतलब ये चीजें ध्यान रख के भाई, हमने ये चीज भी देखी कि एक अलग से पाथ हो, सरकार इसको देखे कि भाई साइकिलिंग के लिए ही एक पाथ हो, तो जिससे मतलब ये चीजें बचा जा सके। तो साइकिलिंग जब आपने की, लोगों को क्या मैसेज दिया कि इसके कितने फायदे हो सकते हैं, क्या क्या? साइकिलिंग से हमने जैसे लोगों ने बताया, हमने बताया कि पूरी बॉडी फिट होती है, पोल्यूशन का फर्क है, मतलब हम मतलब पोल्यूशन नहीं रहेगा, 4-व्हीलर नहीं चलेंगे, 2-व्हीलर चलेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, हमारी एक्टिविटी चलती रहेगी, तो हमारी ऑब्वियस है हेल्थ भी उस हिसाब से डेवलप होगी। तो सुमित जी, जो आपने साइकिलिंग की, तो कितने समय में आपने जो 400 किलोमीटर जो रनिंग है वो पूरी की है? टोटल जैसे वन साइडेड 200 किलोमीटर हमने 10 घंटे में राइडिंग और 3 आवर्स रेस्ट, तो टोटल 13-14 आवर्स लगे हमें, क्योंकि हम बीच में लोगों को बताते भी गए, स्टॉप्स भी हुए, कुछ लोगों ने पूछा भी, रुके भी, भाई कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उस हिसाब से हमारा ऑलमोस्ट 13 आवर्स लगे। तो ये जो फर्स्ट टाइम आपने लोगों को मैसेज देने के लिए आपने किया है, या इससे पहले भी आप कर चुके? नहीं, फर्स्ट टाइम है ये, मैंने इतनी लंबी राइड फर्स्ट टाइम की है, तो मैंने मतलब अंदर से था कि ये लोगों तक अवेयरनेस फैलानी है, तो बस उस पोटेंशियल से, उस स्ट्रेंथ से जाना है। तो आपके साथ और कौन थे? जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, क्या नाम था? अभिषेक कुमार, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो भी यहाँ गुड़गांव में मेरे साथ खेलते हैं, तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो ही मेरा पार्टनर रहे, तो वो ठीक है, वो मेरे साथ कवर कर सकते। तो अभी जो यूथ हैं, जो अभी, उनको क्या अपनी तरफ से आप मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इंडोर गेम्स, मतलब होम गेम्स, ये कम खेलो, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करो, मतलब चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी करो, घर पे रहो। अब जैसे लॉकडाउन में हम सोचते हैं कि घर पे हैं, बाहर नहीं निकला जा रहा, तो आप घर पे भी बहुत कुछ कर सकते हो एक्टिविटी। ये नहीं है कि आपको 200 किलोमीटर साइकिल ही चलानी है जैसे हमने चलाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फिजिकल एक्टिविटी करो, इंडोर गेम्स कम खेलो, इससे मतलब स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, आप मतलब हेल्दी भी रहेंगे। तो आजकल जैसे आप देख रहे हो कि पबजी या एग्जांपल एनी गेम, जो भी ऑनलाइन गेम्स है, तो उससे बहुत केसेस भी आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेस के, बीमारी के, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मतलब उसमें अगर हम देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, तो आउटडोर गेम्स हमें खेलनी चाहिए। तो यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, और कोई भी गेम, मतलब हर घर में से
स्पोर्ट्स जरूरी है, बच्चों को खिलाओ, मतलब पेरेंट्स को भी यही होगा कि भाई आप खिलाओ तो वो मतलब हेल्दी रहेंगे तो और चीज़ों से बचे रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे सुमित बेरवाल जी हैं जो नेशनल प्लेयर हैं बास्केटबॉल के, इनका कहना है कि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। आप इंडोर बेसक गेम खेलें लेकिन साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे इनका कहना है कि जैसे COVID-19 जैसी एक महामारी जो पूरे वर्ल्ड को इसने अपनी चपेट में ले लिया, इसके बारे में कभी भी किसी ने सोचा तक नहीं था कि भी ऐसा कभी समय आएगा, लेकिन हो सकता है कि इससे भी कोई समय कभी आ जाए, कुछ जो बीमारी लोगों को जकड़ने लगे, महामारी इससे फैल जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे जो काम की चीज़ होती है वो अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम अपनी कोई भी बीमारी हो उससे उसका हम सामना कर पाएंगे, उससे हम जीत पाएंगे। तो इन्होंने जो साइकिलिंग की, इनका मेन मकसद यही था कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि अपनी बॉडी को लेकर और जो बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने के लिए खेल और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर इन्होंने 400 किलोमीटर का जो सफ़र है साइकिल पर अपने दोस्त के साथ तय किया था, ताकि लोगों में जितने भी लोग इन्होंने रास्ते में हजारों सैकड़ों लोग मिले वहाँ पर तक इन्होंने वो मैसेज पहुँचाया कि अपनी बॉडी का जरूर हम सबको ख्याल रखना चाहिए। मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, गुड़गांव। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरा चैनल जो मेरा नहीं है वो सब आपका है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मैं भूलें, ताकि कोई भी न्यूज आपके पास सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंचाए।